नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें हमेशा चिंता रहती है अपने दर्शकों की सेहत की, कि उनकी सेहत ठीक रहे। इसीलिए आज हमने लुधियाना में मोहाली के बहुत ही विश्व विख्यात, बहुत ही चर्चित भारती क्लिनिक से डॉक्टर उपेंद्र भारती जी को अपने स्टूडियोज बुलाया हुआ है, ताकि आपको सेहत के एक विषय के ऊपर वो जानकारी दे सके। डॉक्टर उपेंद्र भारती जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोगों की हमें ये क्वेरीज आती हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इसके लिवर पे क्या असर होते हैं, कभी हमारा पैर दर्द होने लगता है, कभी घुटना दर्द होने लगता है, और सारे शरीर में दर्दें जो है वो टाइम टाइम पे होती रहती हैं। क्या ये तो नहीं कि कल को हमें लिवर सिरोसिस हो जाएगा या हमारी जान चले जाएगी? बिल्कुल सही दर्शकों, यूरिक एसिड बहुत खतरनाक चीज होती है, लेकिन आयुर्वेद उसे बचा भी सकता है। और इसीलिए आज हमारे बीच आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर उपेंद्र भारती जी मौजूद है, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइए कि यूरिक एसिड इनफेक्ट है क्या? एक्चुअली यूरिक एसिड एक तरह की डैमेज है सेल्स की, यानी कि यूरिक एसिड इज अ पेन जो है, ये बाय प्रोडक्ट है सेल्स डेथ प्रोसेस का, जिसमें कि किडनी हमारी जो है, जितने भी हम प्रोटीन्स इनटेक ज़्यादा करते हैं, उसको डिसॉल्व करना बंद कर देती है। तो इससे होता क्या जब यूरिक एसिड बढ़ता है? और सबसे ज़्यादा अहम बात कि बॉडी में यूरिक एसिड होना कितना चाहिए, मेल में कितना, फीमेल में कितना, बच्चों में कितना? इसकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं यूरिक एसिड की, वो मेल्स में है 2 to 6, यानी कि इस रेंज में रहना चाहिए, इसके दरमियान रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज मानी जाती है। फीमेल्स में 3 to 6 नॉर्मल रेंज मानी जाती है, और किड्स में 2 to 5 इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। इन केस ब्लड स्ट्रीम में इससे अधिक लेवल बढ़ जाएं तो ये बॉडी में डिस्टर्बेंस देते हैं। कैसे पता लगता है एक आम इंसान को कि उसका यूरिक एसिड बढ़ गया? इसके जो हम सिम्टम्स कहेंगे, या जिन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा है, सबसे पहले बॉडी जो ब्लड स्ट्रीम में से यूरिक एसिड सीधा जॉइंट्स की तरफ फ्लो करता है, और जॉइंट्स में पेन देना शुरू कर देता है पेन, और वहाँ डिपोजिशन अगर उसकी शुरू हो जाती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन, जिसको सूजन कहते हैं यूरिक एसिड की, वो शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ बॉडी में और बहुत सारे सिम्टम, इन्फ्लामेशन, और सुबह उठते ही एड़ी नीचे ना लगना, या जॉइंट्स में हर तरह की पेन जो है वो इसके नॉर्मल सिम्टम्स में आ जाते हैं, लालिमा आ जाती है, और साथ साथ बॉडी में अकड़ाव भी शुरू हो जाता है। ये तो आपने बताया कि क्या क्या लक्षण है जिससे पता लगता है, लेकिन बहुत बार होता है कि गांव में या शहर से बाहर के एरियाज में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ छोटे छोटे जो नीम हकीम है वो पेन किलर दिए जाते हैं बंदे को, वो पेन किलर लेता रहता, और एक दिन पता लगता है कि लिवर सिरोसिस हो गया, और फिर 2-3 महीनों बाद मौत हो गई। तो क्या करना चाहिए जब बंदे को ऐसे लक्षण होते हैं, तो किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, और आप स्पेशली इसमें कैसे ट्रीट करते हैं, और क्या ये यूरिक एसिड ठीक भी हो सकता है? देखिए, एक्चुअल में बात क्या है कि यूरिक एसिड जो बढ़ता है बॉडी में, वो ज़्यादा हाई फाइबर प्रोटीन लेने से बढ़ता है। जैसे आजकल वेस्टर्नाइज कल्चर हो गया है कि बॉडी में हम लोग इवनिंग्स में सोया, ये सब हमारे इंडिया का भोजन नहीं है, फिर भी हम इसको ले रहे हैं कंटिन्यू, और खा रहे हैं, और हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं बहुत ही कम हो चुकी हैं, और प्रोटीन इनटेक बढ़ चुकी है। उसके अलावा अभी आप बात कर रहे थे कि ऊपर से हम पेन किलर, पेन होती है जॉइंट में और पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन जबकि पेन किलर्स भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, और साथ ही साथ अल्कोहल इनटेक, इवनिंग में अल्कोहल लेना, और इवनिंग में हाई प्रोटीन्स लेना, इवनिंग में प्रोटीन्स लेके साथ के साथ सो जाना, वॉक पे नहीं जाना, ये सब कारण है इसके यूरिक एसिड के बॉडी में बढ़ने के। और पेन किलर तो स्पेशली यूरिक एसिड को ब्लड स्ट्रीम में बढ़ावा देते हैं, और जब यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऊपर से नीम हकीम कहते हैं, नीम हकीम खतरा जान, जिनको नॉलेज नहीं
नहीं है वो और ऊपर से, या कहिए कि घर में ही मरीज के पेन हो रही है, जॉइंट में हो रही है यूरिक एसिड की वजह से, और वो पेन किलर ले रहा है, तो वो इन्फ्लामेशन वहाँ पे आ जाती है और एक डिपोजिशन आ जाती है यूरिक एसिड की। तो बेसिकली यूरिक एसिड को बॉडी में इसके लेवल को न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका है कि हम अपनी बॉडी में से इसको फ्लश आउट करें, और इसको फ्लश आउट करने का एक तरीका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है थ्रू यूरिन। किडनीज इसको फिल्टर करके थ्रू यूरिन इसको फ्लश आउट कर दें, यानी कि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हम अगर कर दें और अपनी जितनी भी इनटेक है वो लो प्रोटीन इनटेक, लो फाइबर प्रोटीन इनटेक पे हम रखें, तो यूरिक एसिड बॉडी में नहीं रहता। यानी आपका ये कहना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आएगा और उतना ही हम बॉडी हमारी क्लियर होगी। बिल्कुल, वाटर इनटेक बैलेंस में रखें बॉडी में, पानी की कमी ना आने दे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी में बनाए रखें, उसके साथ साथ जैसे बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ें हैं अपने जीवन में, आजकल मौसम चल रहा है, आंवला अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, सुबह एक कच्चा आंवला आप लें, कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देगा। हमारे घर में रसोई में ही जैसे बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, जिंजर और गार्लिक यूरिक एसिड को मेंटेन करते हैं बहुत ही अच्छी तरह, शायद इसीलिए पुराने जो माताएं बहनें थी वो बहुत अच्छा इसको यूज़ करती थी अपने घरों में, जो खाना बनाती थी उसमें भी। लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट लेके भी इसका कोई हल नहीं मिल रहा है और यूरिक एसिड आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो हम अपने क्लिनिक पे बहुत ही एडवांस और बहुत ही नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी की सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन देते हैं एडवांस आयुर्वेदा के द्वारा, और बहुत नेचुरल तरीके से कुछ ही दिनों में आपका यूरिक एसिड नॉर्मल कर देते हैं। इसमें हमने बहुत कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी यूरिनेशन बढ़ानी है, डाययूरेटिक्स नहीं देने हैं, बिकॉज जैसा मैंने पहले बताया डाययूरेटिक्स जैसे केमिकल भी यूरिक एसिड को बढ़ावा देते हैं बल्कि, ठीक है। तो हम बिल्कुल नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन देते हैं और आपकी बॉडी से बहुत ही आराम से यूरिक एसिड को बाहर कर देते हैं। इसका प्रोसेस तकरीबन 5 से 7 दिन का है, यूरिक एसिड बहुत ही अच्छे से नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, मुझे भी याद है कि पिछले दिनों मुझे खुद को ही यूरिक एसिड 13.5 हो गया था, तो आपने मेडिसिन दी तो 10 दिनों के बाद मेरा यूरिक एसिड जो है 6.3 पर आ गया था। तो दर्शकों आपको भी यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप कोई भी नीम हकीम के पास ना जाएं, आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है और डॉक्टर उपेंद्र भारती भारती क्लिनिक मोहाली से इसको बहुत सफलतापूर्वक कर रही हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका YouTube चैनल भी है भारती क्लिनिक नाम से, तो वहाँ भी बहुत सी टेस्टिमोनीज है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, और इस तरह से आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करके अपने लीवर को खास तौर पे बचा सकते हैं। सो डॉक्टर साहब इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहें तो बताइए। बस देखिए मैं इतना ही कहूँगी कि यूरिक एसिड को अगर आप टाइमली क्योर नहीं करते हैं तो ये आर्थराइटिस जिसको हम गठिया रोग कहते हैं उसका रूप धारण कर सकता है, किडनी स्टोन का रूप धारण कर सकता है, इसको मामूली लेकर ना समझिए और इसका इलाज समय रहते आप करवा लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्थराइटिस यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें जोड़ आपके जोड़ों में यूरिक एसिड जम जाता है और फिर आप कोई भी जोड़ मूव नहीं कर पाते और फिर सारा दिन दर्द से इंसान कराहता रहता है, बिस्तर से भी उठ नहीं पाता। तो आप चाहेंगे कि आप या आपके प्रियजन या आपके परिवार के लोग ऐसी प्रॉब्लम को ना झेलें और ऐसी पीड़ा को ना झेलें, तो निश्चित रूप में अगर किसी का यूरिक एसिड बड़ा होता है तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब वॉइस ऑफ एशियंस के दर्शकों को आपने आज बहुत ही अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रिया दर्शकों आपको कैसी लगी हमारी ये विशेष टॉक हमारी डॉक्टर उपेंद्र भारती जी से यूरिक एसिड के विषय के ऊपर, हमें ज़रूर बताइएगा और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ ताकि उनको भी यूरिक एसिड से बचने का मौका मिले और उनकी सेहत अच्छी रहे और उनकी लंबी उम्र हो। इसी के लिए हम आप सभी से यही कामना करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। जाने से पहले कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए नमस्कार।